मिचेल स्टार्क सबसे बड़ी बोली आज तक के आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी बोली वो लगाई किसने? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। अब मिचेल स्टार्क तो आपको मिल गए हैं, लेकिन टीम आपकी कैसी लग रही है? अब किस प्रकार की पिच बनाई जाएगी कोलकाता में, दैट विल बी की। इनके कीपर कौन होंगे, क्या कोई अच्छा बैकअप रखा है नहीं रखा है? लेट्स टॉक अबाउट कोलकाता यार, इट्स अ गुड टीम राइट। चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और बात मैं करने वाला हूँ कोलकाता की, और कोलकाता की सबसे बड़ी बात तो यही थी कि मिचेल स्टार्क के पीछे भागे। भागे क्या, ऐसा भागे मतलब, हालांकि मुझे लगा कि शायद वो थोड़ा सा हार्ट बर्न होगा, क्योंकि मिचेल हमने आपको पहले भी कई बार रखा और आप आते नहीं हो, आप हमारा नुकसान कराते हो। इनफैक्ट कोलकाता वॉज द टीम जो एक्चुअली में हर्ट हुई थी जब मिचेल स्टार्क ने कहा मैं नहीं आ रहा। तो जो कि पूरी स्ट्रैटेजी जो बनाई थी वो बड़े चार ओवरसीज प्लेयर्स के इर्द गिर्द बनाई थी, और उसमें से एक बंदा नहीं आया। पर अब उन्होंने उसके लिए 24.75 करोड़, 25 करोड़ का प्लेयर यार, और ऐसा नहीं है पैसे थे इनके पास, 30-32 करोड़ रुपए अवेलेबल थे, लेकिन 30-32 में से 25 एक को दे देना, इट वॉज इनक्रेडिबल। मतलब कितनी ज़ोर से चाहिए था कि मिचेल स्टार्क चाहिए। टू बी फेयर सिर्फ दो इंडियन फास्ट बॉलर थे इनके पास उससे पहले, वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा। आंद्रे रसल 50-50 बॉलिंग चल रही है, तो उनको एक बॉलर तो चाहिए था, पर 25 करोड़ का बॉलर। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, वाओ 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 वाओ। लेकिन वो 25 करोड़ का बॉलर लेने के बाद नुकसान क्या होता है? जैसे केकेआर को मधुशंका बहुत पसंद है, या कि गौतम को बहुत पसंद है, पर मधुशंका नहीं मिल पाएंगे ना, इनको नहीं मिले। उसके बाद इन्होंने थोड़ी सी और शॉपिंग की, इन्होंने क्योंकि फास्ट बॉलर सारे निकाल दिए थे तो फास्ट बॉलर खरीदने ज़रूरी थे। इन्होंने चेतन साकरिया खरीदा, चेतन साकरिया सस्ते में मिल गए। इन्होंने गस एटकिंसन खरीदे, ये इंग्लैंड के हैं और तेज़ गति से गेंदबाजी करते हैं। इसके बाद इन्होंने मुजीबुर रहमान खरीदे, आई थिंक वो सुनील नारायण के बैकअप के रूप में है, कि आपके पास मिस्ट्री टाइप ऑफ स्पिनर आपको दो मिल जाएं। उसके बाद इन्होंने साकिब हुसैन को खरीदा, रमनदीप सिंह को खरीदा, जो रमनदीप पहले मुंबई में हुआ करते थे, अब इनकी टीम का हिस्सा है। बहुत ज़्यादा शॉपिंग ये नहीं कर पाए। एक मनीष पांडे के एस भरत, मनीष पांडे आई थिंक जैसा गौतम गंभीर कनेक्शन उनको अच्छे लगते होंगे, तो इसलिए उन्होंने लिया। के एस भरत इनके लिए लेना मजबूरी थी, क्योंकि इनके पास इंडियन कीपर नहीं था, और उसमें अब के एस भरत इन्होंने वहाँ रख लिया है। अंग कृष रघुवंशी भी हैं और शर्फीन रदरफोर्ड भी हैं, तो कुल मिला के टीम एक्चुअली शर्फीन रदरफोर्ड पहले रोमन पावल के लिए जा रहे थे, तो रोमन पावल इनको नहीं मिले, तो उन्होंने शर्फीन रदरफोर्ड को बाद में ले लिया। सो अगेन दे आर लुकिंग फॉर कि क्या अगर कहीं कुछ हुआ रसल को तो क्या उसकी रिप्लेसमेंट मिल सकती है, तो रसल की रिप्लेसमेंट के रूप में कोशिश करें शर्फीन रदरफोर्ड को। और के एस भरत जो कीपिंग बैकअप, हालांकि मुझे लगता नहीं कि ये खिला पाएंगे, क्योंकि ये रहमानुल्लाह गुरबाज से ही ओपन करानी पड़ेगी इनको, क्योंकि जैसे ही रहमानुल्लाह गुरबाज अगर नहीं खेलते हैं और आप जेसन रॉय से ओपन कराते हो फॉर एग्जांपल, तो फिर आपको बीच में एक कीपर खिलाना पड़ेगा इंडियन, और के एस भरत बैटिंग एट 5-6-7 वोंट बी आइडियल। मतलब ये आइडियल सिनेरियो नहीं है, सिनेरियो है पर आइडियल नहीं है। तो बैटिंग तो हमने, अगर आप यू रिमेंबर, हमने जो इसकी प्रीव्यू किया था उसमें कहा था कि बैटिंग इनकी अच्छी है। तो रहमानुल्लाह गुरबाज ओवरसीज एक खिलाड़ी जो स्पिन अच्छी खेलता है, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, दो अय्यर हो गए, नितेश राणा, रिंकू सिंह, ये आपके टॉप 5 हैं यार। इसके अंदर बीच में एक जेसन रॉय के लिए भी जगह बन जाएगी, और देन बाद में आंद्रे रसल भी आ जाएंगे, तो दिस टीम लुक्स सॉलिड यार, क्योंकि बैटिंग बहुत इंडियंस है। ऊपर चलो रहमानुल्लाह गुरबाज और जेसन रॉय में से कोई एक, उसके बाद आपके पास वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, नितेश राणा, रिंकू सिंह, ये चार अच्छे, और उसके बाद रसल के रूप में एक फिनिशर हो जाता है, रसल स्लैश शर्फीन रदरफोर्ड, अब इन्होंने वहाँ बनाने का प्रयास किया है। गेंदबाजी में स्पिन 3 बहुत कमाल के थे, चौथा ऑप्शन भी उपलब्ध है, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, सुयाश शर्मा एंड अनुकूल रॉय, ये चार इनके पास है। उसके बाद अब इन्होंने उसमें मुजीबुर रहमान को भी डाल दिया, कि अगर सुनील नारायण को कुछ होता है तो वो हो गए, तो आपके ये ओवरसीज प्लेयर्स में सुनील नारायण, आंद्रे रसल, रहमानुल्लाह गुरबाज ऊपर, और उसके बाद एक मिचेल स्टार्क ही बचते हैं एक्चुअली, और बाकी जो आपने बैकअप लिया है वो बैकअप उतना काम नहीं आएगा। इंडियन बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में, इन्होंने सिर्फ चेतन साकरिया को एक मेन जो बड़ी बाय थी वो चेतन साकरिया थे, विच इज़ ओके। के एस भरत का खेलना तभी बनेगा, मनीष पांडे, के एस भरत, ये दोनों कभी भी खेलते हैं तो लोअर मिडल ऑर्डर में बैटिंग करनी पड़ेगी, एंड दैट्स नॉट आइडियल फॉर आइदर ऑफ देम। पर टीम ये अच्छी है, टीम मुझे ऑप्शन से पहले भी अच्छी लगी थी, और टीम भी अभी भी अच्छी है, क्योंकि जिस भी टीम के पास 6-7 अच्छे इंडियन खिलाड़ी होते हैं, तो इनके पास तो दोनों अय्यर और नितेश रिंकू, वरुण चक्रवर्ती, सुयाश शर्मा, उसके बाद हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा को भी एक्चुअली ठीक रेट करता हूँ। सो इनका इंडियन कोर बराबर है, ओवरसीज़ का कोर ये बराबर कर लेंगे, मतलब दे हैव दी ऑप्शन, और तो कुल मिला के टीम ठीक है यार। पिच इनको मिलनी चाहिए टर्निंग,
अगर टर्निंग पिच मिल जाती है कोलकाता ईडन गार्डन्स इफ दे प्ले बॉल एंड दे मेक टर्निंग सर्फेसिस, तो फिर ये टीम जो है ये बहुत अच्छा करेगी। अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई, मान लो सीएबी ने कहा कि नहीं जी हम तो भैया पेस वाली पिच बनाएंगे, अगर पेस वाली पिच बनाई तो फिर ये थोड़ा सा पीछे बैकफुट पे जाते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। अदर देन दैट इट इज़ अ गुड टीम, इट इज़ अ गुड टीम। पर अच्छी बात जो मुझे लग रही है ना, और टाइट आईपीएल होगा अभी, कि पहले भी टाइट ही था, पिछली बार भी मतलब कितने लास्ट बॉल थ्रिलर्स थे, पर इस साल और टाइट होता नज़र आ रहा है। क्योंकि कल हमने बात की थी बैंगलोर की रीसेंट टीम, मुंबई इंडियंस वेरी गुड टीम, चेन्नई वेरी गुड टीम, कोलकाता लुकिंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग टीम, अभी हमने हैदराबाद की बात नहीं की जो कि पेपर पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, गुजरात टाइटंस आई मीन दे आर गुड एंड दे विल बी गुड, तो सबकी बात करेंगे। मुझे लग रहा है ये टाइट आईपीएल होगी यार, पिछली बार सुपर ओवर नहीं मिला था, इस बार मिलेगा, एक से ज़्यादा भी मिल सकता है। वैसे आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही, कल फिर गप्पे मारेंगे कुछ और करेंगे बातें। विराट कोहली उपलब्ध हो जाएंगे, अगर आप सोच रहे हो अभी घर गए थे पर अब आ जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है उपलब्ध, ये भी पता चल गया। तो ये दो इंडियन टीम से थोड़ी खबरें आई थी, पर मुझे अब जाना है। कहाँ जाना है मुझे? हाइड पार्क में विंटर वंडरलैंड लगाया, तो बच्चों को विंटर का वंडर दिखाना है। मैं चलता हूँ, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।